नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, 15 मार्च को जो NTPC का पेपर हुआ था उसमें स्टैटिक GK के जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या आप कह सकते हैं टफ लेवल के प्रश्न हैं उसी का कलेक्शन यहां पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पेशेंस रखिएगा, एक एक ऑप्शन को और उसके डिटेल चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसने INC के संदर्भ में वाल्व थ्योरी दिया था? सेफ्टी वाल्व थ्योरी मतलब ये हो गया कि ये एक प्रकार का फ्यूज टाइप का, यानी कि अगर ये सेफ्टी वॉल्व मतलब ये हो गया कि अगर ये फ्यूज हो गया तो, कहने का मतलब ये है कि लाला लाजपत राय ने ये बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज डफरी उस समय के यहाँ के वाइस राय थे, उनकी ये यूपज है INC, वो क्या चाहते थे, यानी कि ये स्टेटमेंट उनका है लाला लाजपत राय का, वो कह रहे हैं डेफरिन के बारे में कि वो लोग चाहते थे कि एक ऐसा संस्था बनाया जाए भारत में जो सभी विद्रोह का या जो सभी डिमांड का नेतृत्व करे। इससे क्या होगा कि अगर हमको लड़ना है, अंग्रेज को लड़ना ऐसा है कि अंग्रेज को लड़ना है तो ये इसी संस्था से लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी विद्रोह हो गया, यहाँ पे भी विद्रोह हो गया, यहाँ पे भी विद्रोह हो गया, तो ये अंग्रेज सभी से एक साथ नहीं लड़ सकते थे, उनको कठिनाई होती थी। तो इन्होंने ही, अंग्रेजों ने ही एक कांग्रेस संस्था बना दी जिससे क्या होगा कि अब हर एक जगह विद्रोह ना हो के सभी का नेतृत्व ये इंडियन नेशनल कांग्रेस करेगा, और इसके साथ अंग्रेज आसानी से समझौता कर सकते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक ही से इनको लड़ना पड़े, सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही लड़ना पड़े, इन्हीं की बात सुनना पड़े, यानी कि सभी आंदोलन को यही लीड करेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसको आप कह सकते हैं एक प्रकार का फ्यूज के रूप में, यानी कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में अंग्रेज यूज करते थे। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया ना कि घर में चार बल्ब है तो अब यहीं पे अगर डिमेरिट पता चल जाएगा तो चारों बल्ब बच जाएंगे ना, या चारों बल्ब से हमें मतलब नहीं होता है, इसीलिए तो सेफ्टी बल्ब लगाया जाता है कि जैसे ही कुछ भी गड़बड़ हो तो यहाँ पे हम अगर सुधार कर ले, इसी में हमारा जो भी टाइम इन्वेस्ट हो, ठीक है, बाकी तीन का सामना हमें ना करना पड़े, तो इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल्व बताया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को यंग इंडिया जो कि 1916 में प्रकाशित हुआ था उसमें इन्होंने ये बताया था। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा सेफ्टी वॉल्व क्योंकि आपके ऑप्शन थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नेहरू जी, ये सब ऑप्शन थे। तो सेफ्टी वॉल्व में देखिएगा कि जो फ्यूज कंडक्टर होता है वो लाल जलता रहता है, ठीक है, लाल जलता रहता है, ठीक है, फ्यूज कंडक्टर लाल जलता रहता है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय ने ये दिया था। अगला क्वेश्चन था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, देखिए अगर भारत की बात करें तो आपको मैंने याद भी करवाया ट्रिक के थ्रू कि परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, और वर्तमान में अभी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, फैगाकू है, जो कि जापान की है, ठीक है, लेकिन अगर विश्व की बात करें तो ये है CDC, यानी आप कह सकते हैं CDC 6600। अब इस तरह से याद रखेंगे कि जो सुपर कंप्यूटर है ये मैंने आपको याद भी करवाया है CDC 6600, इसको इस तरह से याद करवाया है कि जो सुपर कंप्यूटर होगा वो सिर्फ छक्का छक्का मारेगा, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि छक्का छक्का मारेगा, यानी कि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, सुपर कंप्यूटर का ही मतलब होता है कि अच्छा परफॉर्मेंस वाला, तो यानी कि छक्का छक्का मारेगा, तो इस तरह से याद रखेंगे। कौन सा राज्य है जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, ये पूछा गया था, तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है। पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे लागू हुआ है, तो ये मणिपुर और जो आपके UP है वहाँ सबसे ज़्यादा बार ये राष्ट्रपति शासन लगा, 10-10 बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गोलकुंडा की, और पूछा जाता है कि सबसे लंबा कहाँ पे लगा है, तो सबसे लंबा आपातकाल या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है, ये आपके पंजाब में लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा किला जो कि हैदराबाद में है, निर्माण किसने करवाया था, तो आपके ऑप्शन काकतीय वंश, कुली कुतुब शाही वंश, ये कुली कुतुब शाह एक उस कुतुब शाही वंश का एक राजा था, आप कह सकते हैं बहमनी वंश, किसने बनवाया था, तो गोलकुंडा जो किला है वो हैदराबाद में है, उसको काकतीय वंश ने बनवाया था। याद कैसे करेंगे, जो गोल
कुंड टाइप का ऊपर छज्जा पे बना रहता है, या आप कह सकते हैं छत पे बना रहता है, उस पे काक आके बैठ जाता है, ठीक है। गोल जो आपके छत पे कुछ बना रहता है तो उस पे आके बैठ जाता है काक। तो यानी कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया? काकतीय वंश ने। अब ये काकतीय वंश ने बनवाया तो उस समय एकदम से आप कह सकते हैं उसके बाद 100-150 साल बाद ये एकदम से खंडहर टाइप का हो गया, तो उसको फिर से रिनोवेट किया, यानी कि फिर से बनाया, यानी कि उसी में थोड़ा सा और मॉडर्न तरीके से बनाया और उसमें ग्रेनाइट के पत्थर जोड़ के थोड़ा सा और उसको लंबा किया। कौन? कुली कुतुब शाह ने उसको और लंबा किया, यानी कि जो किला था उसको थोड़ा सा और बढ़ाया, ठीक है। लेकिन बनवाया काकतीय वंश ने। और ये जो कुली कुतुब शाह यानी कि कुतुब शाही वंश के जो राजधानी थी वो भी कहाँ पे थी? आपके हैदराबाद में ही थी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इसमें मैंने फैक्ट आपको बता दिए। सीपीयू का स्पीड किसमें मापा जाता है? तो सीपीयू जो होता है उसका स्पीड जीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। कई बार कंफ्यूज हो गए, जीगा बाइट दे दिया जाएगा, ठीक है। जीगा बाइट आपके मेमोरी है, ठीक है, और हर्ट्ज जो ये चीज़ें हैं वो स्पीड है। आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, ये सब स्पीड होती है, ठीक है। तो यानी कि आपको जीगा बाइट अगर भी दिया रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। देखिए, अगर हम याद करने का एक ट्रिक अपनाएं तो जो सीपीयू होता है यानी कि कंप्यूटर के ही एक पार्ट है, तो सीपीयू में जो स्पीड होता है वो एमबी, तो साधारण सा 2 GB के 2 GB का जो डेटा होता है, 2G सॉरी जो डेटा होता है वो भी एमबी में स्पीड देता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की इस्तेमाल करें, पर्सनल कंप्यूटर, तो वहाँ पे ज़्यादा स्पीड आता है। आप देखेंगे ब्रॉडबैंड वगैरह में ज़्यादा स्पीड आता है वो जो कि सीपीयू में लगता है, तो वहाँ पर जीगाबाइट में भी स्पीड आता है, ठीक है। मेगाबाइट में तो मोबाइल में भी आ जाता है, 2G जो स्पेक्ट्रम है उसमें भी। लेकिन अगर हमको सीपीयू में स्पीड लाना है तो उसमें जीगाबाइट तक आ सकता है। तो इस तरह से हम याद करने का तरीका अपना सकते हैं कि जीगा हर्ट्ज में सीपीयू जो स्पीड है वो मापता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ना ही होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया है, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो 88 में हुआ था। याद कैसे करेंगे? 8-8 है लास्ट में, यानी कि नेशनल हाईवे पे आप जाते हैं तो इतना स्पीड से चलते हैं क्योंकि NH काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और एकदम से स्मूथ होता है, तो पीछे से कोई कह रहा आठ हर आठ हर, हम भी आ रहे हैं आठ हर, लेकिन आप भागे जा रहे हैं नेशनल हाईवे पे, अच्छा रोड देखे, आठ हर आठ हर आठ हर, इस तरह से कोई पीछे से बोल रहा है कि हमें भी ले चलो, तो आठ आठ जैसा कुछ सेंस मैंने बताया जिस तरह से मैंने इसको राइमिंग किया। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीरी, सिर्फ नीरी दिया गया था और पूछा गया था कि नीरी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो अगर सिर्फ नीरी आपको दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपको पता होता, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है वो आपके नागपुर में है। तो सिर्फ नीरी दिया गया था, अगर ये फुल फॉर्म दिया जाता तो आप ध्यान रखिएगा, इसी तरीके के प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, अभी तो बहुत सारे मेट्रो की शुरुआत होनी भी है क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं, जैसे आपके पटना में चल रहे हैं, बहुत सारे जगह अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जगह 10 से 13 जो मेट्रो है वो फंक्शनिंग में है। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कितना है क्योंकि ये हर समय बदलते रहता है। तो प्रथम बार जरूर पूछा जाता है और दिल्ली के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम बार 84 में चला गया था। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, जो आपके मेट्रो जो रेल होंगे उसमें चेयर बहुत सारे बने रहते हैं, ठीक है, चेयर बने रहते हैं, तो यानी कि चेयर के 4 पैर होते हैं। तो प्रथम बार जो बना था उसमें बहुत सारे चेयर थे, तो लास्ट में 84 याद रखेंगे, ठीक है। जो सेकेंड बना, वो सेकेंड मतलब कि दूसरा, यानी कि लास्ट में 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो मेट्रो बना वो दिल्ली का मेट्रो बना, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अभी तक भारत में जितने भी मेट्रो हैं सबसे लंबा रूट किसका है? तो ये दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा रूट है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो नामा मेट्रो है वो किस मेट्रो का नाम है, ठीक है। नामा नामा आपसे दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इंदौर मेट्रो या पटना मेट्रो या लखनऊ मेट्रो किसका नाम है नामा? तो नामा जो मेट्रो है वो बेंगलुरु मेट्रो का नाम है, ठीक है। और राजा भोज मेट्रो कहाँ का है ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, और भी प्रश्न पूछे गए हैं, देख लेते हैं और भी क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, GST को भारत में 1 जुलाई को कब लागू किया गया था?
तो जीएसटी मतलब कि एक ऐसा सिस्टम आप कह सकते हैं जो व्यापारियों को सता रहा है, पता नहीं चलता बहुत बार जीएसटी को बारे जीएसटी के बारे में बहुत लोगों को तो पता भी नहीं रहता कि इसमें किस तरह से क्या क्या होते हैं। तो सता रहा है यानी कि 17 में जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई को। जीएसटी में कौन स्लैब नहीं आते हैं ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें कौन कौन से स्लैब है, 5% वाला स्लैब है, 12% वाला स्लैब है, 18 है, 28 है, लेकिन 32 नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से स्लैब है जीएसटी में। विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडरों को किसने खोजा था? देखिए, विजयनगर के जो एक राजधानी हुआ करती थी हम्पी शहर, उसके खंडर को किसने खोजा? मैकेंजी ने खोजा। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, हम्पी पीने की बात कर रहा है और सिकंजी वगैरह, हम लोग जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो हम लोग सिकंजी पीते हैं, तो हम भी पियेंगे को क्या चीज़ पियेंगे? सिकंजी। मैकेंजी को इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ईएमआई सैट किस प्रकार के सैटेलाइट है? मौसम संबंधित है, या सैन्य परीक्षण संबंधित है, या सड़क संबंधित है, या जलवायु संबंधित है? तो ईएमआई सैट जो है वो आपके जो सैन्य परीक्षण संबंधित सेटेलाइट है। इसमें क्या होता है, इट कैन लोकेट टैकल एंड साइलेंस इनमी रडार, जो इनमी के जो रडार है उसको लोकेट करेगा, पहचानेगा कि कहाँ पे है, उसको टैकल करेगा यानी कि उससे लड़ेगा और उसको बर्बाद करेगा। ठीक है, ये ईएमआई सैट जो एक प्रकार का सेटेलाइट है, तो याद कैसे करेंगे? कहेंगे ई माई, मतलब कहीं बम छूटता है तो आप क्या कहते हैं, अरे ई माई कितना भयानक ब्लास्ट हुआ है। तो माई का जैसे ही मतलब कि माँ या माई बोलते हैं ना, तो कोई भी एकदम से ड्रास्टिकली इतना विस्फोट होता है तो मुंह से माई की आवाज़ निकल जाता है, आ ओ माँ या ई माई कहते हैं ना। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि बम वगैरह यानी कि सैन से संबंधित ये सेटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है, बाबर के संबंध में तुगलमा किससे संबंधित थी? तुगलमा मतलब ये आपका जो है तुगलमा, ये युद्ध नीति से संबंधित था। ठीक है, तो ये देखिए कितना डीप प्रश्न पूछा जा रहा है, ये सब आपके लूसेंट में है भी नहीं, तो ध्यान रखिएगा। तू गला में मिलेगा, एक नीति भी होती है कि तू गला मिलेगा उसके बाद उसको छुरा घोप देना। इस तरह से बहुत सारे युद्ध नीति होते हैं ना, पहले तू जाना और गला मिलना और फिर छुरा घोप देना, तो ये युद्ध नीति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? 2020 का जो ओलंपिक है वो पोस्टपोन्ड होके 21 में होना है, कहाँ पे? जापान में, ये तो आपको पता है, टोक्यो शहर में। लेकिन जो आपके 21 में सॉरी 24 में होगा वो पेरिस में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पेरिस में होगा, क्योंकि आपके ऑप्शन रहेंगे लंदन, लॉस एंजल्स जो कि 28 में कंडक्ट करवाएगा, लॉस एंजल्स जो कि यूएसए का एक सिटी है उसमें अगला अगला ओलंपिक, अगला तो पेरिस में ही होगा, और उसके अगला कहाँ पे हो जाएगा? फिर लॉस एंजल्स यानी कि यूएसए में होगा। अगला क्वेश्चन, 2019 में यूरेनियम का शीर्ष उत्पादक जो राष्ट्र है वो कौन सा है? कजाकिस्तान है। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, एक मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे जो डेटा है, देखिए क्योंकि ऑप्शन आपके क्या रहेंगे, आपके ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा आपके ऑप्शन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये ऊपर के चारों जो कंट्री है वो रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये 2018 के ही डेटा है विकिपीडिया पे, 40% वर्ल्ड का 40% अकेले कजाकिस्तान उत्पादन करता यूरेनियम का, कनाडा 13% और ऑस्ट्रेलिया 12%। ऑस्ट्रेलिया में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया भी यूरेनियम का उत्पादन करता है और भारत ज़्यादा यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से बहुत बार आयात करता है, तो ऑस्ट्रेलिया दिमाग में रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि इसका 1/4% ही ये ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है कजाकिस्तान का, तो कजाकिस्तान को अभी कोई टक्कर नहीं दे सकता, यानी कि इवेन तीन कंट्री टॉप मोस्ट के तीन कंट्री भी मिल जाए तब पर भी कजाकिस्तान को टक्कर नहीं दे सकते हैं। तो यानी कि कजाकिस्तान हमेशा 2019 20 21 जितना भी रहे हमेशा यूरेनियम का फर्स्ट पे बना रहेगा, और इंडिया का देखेंगे तो 0.079 है। ठीक है, सॉरी 0.79% है, आप देखेंगे 11 नंबर पे है 0.79 लेकर भी। और अगर हम बात करें यूएसए का, तो सिर्फ 1% विश्व का यूरेनियम उत्पादन करता है। तो ये वाला चीज़ें भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यूरेनियम का शीर्ष उत्पादक राज्य सॉरी ये कंट्री कौन है, तो ये कजाकिस्तान है। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? देखिएगा, एक बार हुआ था 69 में हुआ था, गांधी जी से रिलेट मैंने करवाया था, 69 1869 में गांधी जी की जन्म हुई थी और 1969 में 100 वर्ष होने के बाद, इस तरह से हम याद ट्रिक के थ्रू करवाया था कि आपको कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 69 में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जब दूसरा वाला राष्ट्रीयकरण हुआ
तो 1980 में हुआ। तो इस समय कितने बैंकों का हुआ, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ। याद कैसे करेंगे, अच्छी इस तरह से याद करेंगे कि कोई अगर तोतला होता है तो वो 80 को क्या बोलता है, अच्छी, ठीक है, अच्छी। तो अच्छी यानी कि 6 का सेंस दे रहा है, तो 80 में 6, अच्छी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन ये आपके स्टैटिक जीके के पूछे गए थे कल के पेपर में, वो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।